दोस्तों, सांपों के काटने की घटनाएं अक्सर हमारे सामने आती रहती हैं। ऐसे में अगर आप किसी सांप के हमले का शिकार बनते हैं तो सबसे पहले आप घबराएं ना, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो इससे आपकी मरने की संभावना 3 गुना बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त जिस पैर में सांप ने काटा है उस पैर में किसी एक जगह कुछ मत बांधिए, बल्कि उस पैर में गर्म पट्टी को कुछ इस तरह बांधना चाहिए, क्योंकि सांप काटने के बाद वह अंग सूज जाता है। ऐसे में अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो वह अंग और सूज जाएगा और रक्त अंग में प्रवाहित नहीं होगा, फलस्वरूप जहर के प्रभाव से वह अंग ही मर जाएगा, जिस कारण उस पैर को ही काटना पड़ सकता है। वहीं जहर को चूसने का प्रयास ना करें, घाव को कभी काटे मत और घाव पर बर्फ या पानी ना लगाएं, उसके बजाय घाव पर एंटीसेप्टिक लगाकर उसे धीरे से साफ करें। साथ ही पीड़ित को खाने पीने की अनुमति या कोई अन्य दवाएं ना दें, इससे जहर शरीर में तेजी से फैलेगा। इसके अलावा सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें, उसका रंग और आकार याद रखने की कोशिश करें ताकि आप उसका वर्णन कर सकें, जो आपके इलाज में मदद करेगा। इतनी सावधानी बरतने के बाद पीड़ित को तुरंत अस्पताल पहुंचा दीजिए ताकि उसे एंटी वेनम दिया जा सके। इसके अतिरिक्त कभी आप वह बेवकूफ़ी मत कीजिएगा जो आमतौर पर भारत में लोग करते हैं, वह यह है कि अंधविश्वास के चलते आप पीड़ित को तांत्रिक के पास ना ले जाएं, क्योंकि अगर उसे किसी जहरीले सांप ने काटा होगा तो उस पर किसी जादू टोने का असर नहीं होगा।